तो यार आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कढ़ाई पनीर की मजेदार सी रेसिपी, जो बहुत इजीली बन जाएगी और ये इतनी टेस्टी बनेगी कि जिसे खाकर आपका मन खुश हो जाएगा। वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो इस रेसिपी को आप भी घर पर बनाकर ट्राई करो और सभी को खिलाओ, देखना सबको बहुत पसंद आएगी। अब अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में डालो ऑयल और इसे गर्म कर लो। वैसे तो इस रेसिपी का नाम कढ़ाई पनीर है, पर बनाने को इसे आप किसी भी कढ़ाई या पैन में बना सकते हो, और मैं भी आज ये रेसिपी पैन में बना रही हूँ। फिर इसमें मोटे मोटे पीसेस में कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज डालकर हाई फ्लेम पर केवल 2 मिनट तक फ्राई कर लो। हमें यहाँ प्याज और शिमला को बहुत ज्यादा गलाना नहीं है। अब इनको निकाल कर अलग रख लो और पैन में फिर से ऑयल डालकर इसे गर्म कर लो। अब डालो इसमें जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ते। बस 1 मिनट तक इनको भूनना है। फिर इसमें डालो थोड़ा लहसुन और थोड़ा अदरक और बस बारीक कटी हुई प्याज डालकर 3-4 मिनट तक भून लो। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ काजू और कटे हुए टमाटर, और इनको भी बस 2 मिनट के लिए भूनना है। यहाँ पर काजू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। बिना काजू के भी कढ़ाई पनीर बनाया जा सकता है। फिर इन सब चीजों को थोड़ा ठंडा कर लेने के बाद एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब पैन में फिर से थोड़े से ऑयल में डालो जीरा और 2 लौंग। फिर ऐड करो सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हींग। अब बस केवल 1 मिनट के लिए इन मसालों को भून लेना है। ये मसाले मुझे थोड़े ड्राई लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच देसी घी। इससे सब्जी का टेस्ट भी काफी एनहेंस हो जाएगा। अब इसमें डालो प्याज टमाटर वाला पेस्ट और बस अच्छे से मिक्स करके पका लो। करीब 3-4 मिनट तक इस ग्रेवी को पकाने के बाद डालो पानी और इसे भी मिक्स कर लो। अब डालो इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा गरम मसाला। अब इनको भी मिला लो और मैं यहाँ डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इससे सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसको भी मिक्स करके अब ग्रेवी को हमें ढककर पकाना है। बस 3-4 मिनट में ग्रेवी पककर तैयार हो जाती है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ फ्राई करी हुई प्याज और शिमला मिर्च और क्यूब्स में कटे हुए पनीर के पीसेस। अब इनको भी मिक्स करके बस 2 मिनट के लिए ढककर पका लो, जिससे सब्जियों के अंदर भी मसालों का फ्लेवर आ जाए। चलो अब सब्जी को खोल कर देखते हैं। देखो कितनी अमेजिंग लग रही है हमारी सब्जी। चलो तो जल्दी से हम कढ़ाई पनीर को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इस सब्जी को आप किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि पूरी, फुलका, पराठा या राइस। अब अपनी सब्जी को ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ कटे हुए अदरक के साथ। आप यहाँ हरा धनिया भी डाल सकते हो। लो जी, एकदम मसालेदार और क्रीमी टेक्सचर वाली ग्रेवी के साथ हमारा कढ़ाई पनीर रेडी है। आप भी इसी तरीके से कढ़ाई पनीर बनाओ और सभी को खिलाओ। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।